हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं हेमंत राजपुत्र, आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप यहां पर कॉइन DCX मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं क्रिप्टो को ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टिंग करने के लिए, तो अगर आपका यहां पर कुछ अमाउंट इन्वेस्टेड है उसको आप सेल करके पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, जैसे कि ये पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा कुछ अमाउंट इन्वेस्टेड है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे कुछ यहाँ पर सेल करना है क्रिप्टो करेंसी, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उसको सेल कर दूँगा। कैसे सेल करूँगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सोलाना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इन्वेस्ट किया हुआ था 1674 रुपये, और यहाँ पर अभी कितना रिटर्न दिया हुआ है, 6000 रुपये का रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, मैं इसको सेल करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे सेल का ऑप्शन मिल जाता है, तो सेल पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर इन रुपीज़ या इन सोलाना, तो कितने रुपये का आप सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं इन रुपीज़ में यहाँ पर फिल कर देता हूँ कि मुझे यहाँ पर सेल करना है 500 रुपये का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 500 रुपये फिल कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर जितना भी सोलाना होगा उतना ले लेगा। और यहाँ पर दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि नीचे जाता हूँ, यू विल गेट 491 रुपीज़, तो मैं यहाँ पर स्वाइप टू सेल पर मैं क्लिक कर देता हूँ नीचे, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। देख सकते हैं कि सेल ऑर्डर कंप्लीटेड, तो हमारा सोलाना है वो सेल हो चुका है। ठीक है, डन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब चलिए दोस्तों बैक हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपना देख लेता हूँ पोर्टफोलियो कि मेरा इतना हो गया है। अब देख सकते हैं कि सोलाना यहाँ पर सेल हो चुका है, पहले यहाँ पर प्रॉफिट कितना था, 6000 का था, अब कितना दिखा रहा है, 5565 रुपये। होम पर मैं जाता हूँ और देख सकते हैं कि मेरा जो फंड है, फंड में यहाँ पर दिखा रहा है 1283 रुपये दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं इसको विड्रॉल करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है विड्रॉ INR। ठीक है, तो मैं विड्रॉ INR पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है विड्रॉल रिक्वेस्ट मेड बिटवीन 31 मार्च एंड 1 अप्रैल माइट इनकाउंटर प्रोसेसिंग डिलेज ऑफ अप टू 72 आवर्स ड्यू टू ईयर एंड क्लोजिंग एक्टिविटी प्लान एट द बैंक एंड। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आपको अभी क्या है कि जो इस साल का, क्योंकि 31 मार्च चल रहा है तो इस साल का जो लास्ट डे चल रहा है, तो हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए आपका ट्रांसफ़र होने में, लेकिन ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप यहाँ पर मिनिमम 100 रुपये विड्रॉल कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना भी, तो मैं यहाँ पर 200 रुपये विड्रॉल करके देख लेता हूँ। तो 200 रुपये मैंने यहाँ पर विड्रॉल कर लिया है, आप जितना भी विड्रॉल करना चाहते हो उतना विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू टू विड्रॉ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा एक OTP आएगा, OTP मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ और देख सकते हैं कि हमारा OTP आ चुका है और यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है। अब ये हमारा थोड़ा सा टाइम लेगा और ये हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ओके पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों हमको क्या करना है कि थोड़ा सा वेट करना है। अब देख सकते हैं कि ये दिया हुआ विड्रॉल रिक्वेस्ट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये तुरंत ही लिख के आ रहा है कि कंप्लीट हो चुका है हमारा। ठीक है, अब चलिए मैं अपना अकाउंट स्टेटमेंट ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा, क्योंकि जो एक्सिस बैंक है उसका जो मोबाइल एप्लीकेशन वो अलाउ नहीं करता है रिकॉर्डिंग, इसलिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मुझे 200 रुपये रिसीव हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप अपना कोई भी क्रिप्टो करेंसी है उसको सेल कर सकते हैं कॉइन DCX में, और उसको आप यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए रखें अपना बहुत सारा ध्यान। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।